नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका रत्न दोरंगा है तो चाहे जितना भी महंगा रत्न आप धारण कर लो, वह किसी काम का नहीं है, कोई फायदा आपको नहीं करेगा। दोरंगे रत्न से मेरा सीधा सीधा मतलब है अमाल्या पुखराज है। कहीं से डार्कनेस है उसमें, कहीं से लाइटनेस है, कहीं से गाढ़ा पीला, कहीं से हल्का पीला, या रत्न के साइड में कहीं पर गुलाबी रंग या अन्य उसमें आउट कलर है। तो आज की वीडियो में मैं दो तरह की रत्न की कमियों पर बात करूंगा, दोरंगा रत्न और आउट कलर स्टोन, अपने कलर से हटा हुआ जो रत्न है वह। दोनों ही रत्न किसी काम के नहीं होते, चार आने के नहीं होते, कोई फायदा नहीं करते। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। दो विषयों पर आज बात करूंगा, दोरंगा रत्न और आउट कलर स्टोन। तो पहले दोरंगे रत्न पर ही मामला क्लियर करते हैं। दोस्तों, यदि आपका रत्न, आपने महंगा रत्न खरीदा और वह मान लिया नीलम खरीदा आपने, तो कहीं से तो गाढ़ा नीला है, कहीं से हल्का नीला है, साइड में से थोड़ा पीलापन भी है। तो रत्न रश्मि सिद्धांत पर काम करते हैं। बाहर से आने वाली ग्रहों की रश्मियां अस्त व्यस्त हो जाती है और वह आपको कोई फायदा करेगा ही नहीं। तो रत्न सस्ता हो या महंगा, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा, वह वन कलर में ही होना चाहिए। पूरे रत्न का कलर एक जैसा होना चाहिए, शुरू से आखिर तक, दाएं बाएं आगे पीछे घुमा करके देखिए। कहीं से भी दोरंगा है तो छोड़ दीजिएगा उसको, वह आपके काम को करेगा ही नहीं वो। अब बात करते हैं आउट कलर स्टोन की। आखिरकार ये आउट कलर स्टोन क्या है? दोस्तों, बहुत महंगे से महंगे भी आउट कलर स्टोन होते हैं, लेकिन वह भी अपना प्रभाव नहीं दे पाते। आउट कलर स्टोन का मतलब है अपने मूल जो उसका रंग है उससे हटा हुआ। जैसे नीलम को नीलिमायुक्त होना चाहिए, तो वह गाढ़ा नीला हो सकता है, हल्का नीला हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें रेशा भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वाइटनेस नहीं होना चाहिए, उसमें हरापन नहीं होना चाहिए, उसमें सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए। मान लिया पुखराज है, तो बहुत से लोग पुखराज को पीत आभा वाला कहा गया है। सस्ता हो, महंगा हो, ट्रांसपेरेंस हो या ट्रांसपेरेंस ना हो, लेकिन पीला ही होना चाहिए। अगर उसमें गुलाबी टच है, उसमें गुलाबी टच अगर है, कितना भी महंगा स्टोन है, वह अपने मूल स्वभाव से हट गया। या उसमें वाइटनेस है, सफेदी है, तो अपने मूल स्वभाव से हट गया। पुखराज को पीत आभा वाला, पन्ने को हरा, नीलम को नीली आभा वाला, मोती को सफेद, या जिस रत्न का जो रंग निर्धारित किया गया है, वह रत्न उसी रंग का, उसी कलर का होना चाहिए। अपने मूल जो उसका रंग है उससे हटा हुआ स्टोन किसी भी मतलब का नहीं होता, किसी भी काम का नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो जो दाग धब्बे वाला स्टोन है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है, वह भी किसी मतलब का नहीं, दोरंगा उसको बोलते हैं। और अगर पूरा स्टोन वन कलर में है लेकिन अपने मूल स्वभाव में नहीं है तो भी दिक्कत ही करेगा। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक के लिए नमस्कार।